मेरे गांव की सुनीता में। तो सो फ्रेंड, आज है देवउठनी एकादशी। देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। हाँ, तो आज के दिन छोटी दिवाली भी आज कहते हैं, छोटी दीपावली है, आज एकादशी भी है। हाँ, तो एकादशी है तो आज भी घर की साफ सफाई होगी थोड़ा बहुत। उस दीपावली को पूरी साफ सफाई पोताई भी हो गई थी, थोड़ा बहुत आंगन की लिपाई और होगी। तो मैं आज आप लोगों को सब दिखाऊंगी कि हमारे घर में सब लोग क्या कर रहे हैं, क्या कैसे, और आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि शक्ला कैसी पकाते हैं। आज के दिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के घर में शक्ला ना पके। तो मैं आज सब चीज़ दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के साथ में लेके आऊंगी आज। लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है आज का। मैं बाहर के आंगन साइड झाड़ू लगा रही हूँ। पहले झाड़ू लगा लेते हैं, पूरे घर में जितने 3 ठो आंगन होते हैं पूरे हाथ लगा लेते हैं। फिर इसके बाद हम मिट्टी से पोताई स्टार्ट करेंगे, लिपाई सब स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या कैसे आज हम लोग कर रहे हैं छोटी दीपावली के दिन। हाँ, तो झाड़ू लगा चुके हैं, अब अच्छे से उठा लेते हैं पूरा कचरा को सूपा में। अब आप लोग देखिए, तो आज है छोटी दीपावली, तो हम लोग उस दीपावली को ही पूरी पोताई हो गई थी दीवार की पूरी, और इस छोटी दीपावली है तो आंगन लिपेंगे और डेहरा उठा को सब पूरा नीचे पोत लेते हैं। अब स्टार्ट ही करते हैं हम लोग सुबह से पोतना, सब स्टार्ट ही कर दिए हैं और पोत चुके हैं। अभी आंगन का ढेरौटा बाकी है, अब पूरा ये आंगन लीपना पड़ेगा मिट्टी और गोबर से। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, इधर हमारी मम्मी पोत रही हैं ढेरौटा। आज छोटी दीपावली है, उधर मम्मी पोत रही है आंगन साइड, इधर मैं अंदर पोत रही हूँ। पूरा ये भुइया पोतेंगे, इधर पोत लेते हैं। हाँ, तो इतना सारा पूरा अंदर वाला आंगन है तो बहुत सारी ढेरौटा बनी है, तो पूरा हम पोत लेंगे। मम्मी पूरे ढेरौटा की पोताई कर चुकी है, अब लिपाई स्टार्ट कर दी है आंगन में। वो दोनों आंगन लिपट चुके हैं और पूरे हारा पोताई हो गई है, बस थोड़ा सा बाकी है। यहाँ पास मम्मी आंगन लिप रही हैं, थोड़ा सा बाकी है तभी हो ही जैसे पूरा लिप लेंगी मम्मी आंगन को। अब दिखाते हैं, सब आंगन की पोताई हो गई है। हाँ, तो अब ढेरौटा पूरी पोताई हो गई है। यहाँ मेरा भाई सिलाई कुछ कर रहा था तो मशीन रखी हुई है, तो अब टाइम को समथिंग हो रही हैं। उधर बब्बा जी कुछ होम वोम कुछ किए हैं, तो वहाँ पास आग रखी हुई है, चोरी दुल्हावा पर ये सब होते हैं घर में, तो उसी को आज के दिन पोता जाता है, तो सब आज किए हैं बब्बा लोग। हाँ, तो अब टाइम को समथिंग 4 बज चुके हैं, तो अब पूरी तैयारी भी करनी है, तो आप लोगों से मैं कुछ देर से मिलती हूँ। हाँ, तो इसमें हम डाल देंगे शक्ला में पानी। हाँ, तो इसकी मिट्टी पूरी छूट जाएगी। इधर पानी डिब्बा में रखा हुआ है तो डाल देंगे तो पूरी इसकी मिट्टी छूट जाएगी। अब हम लोग दिया धो लेते हैं। पहले पूरी दिया को हम दौरी में डाल लिए हैं, पानी ला लिए थे सफा पानी पंप से। अभी पूरी दिया को धो लेते हैं, तो सारी दिया को एक फट्टी बिछाए हैं जिसमें रख देंगे, सूख जाएगी। हाँ, तो पूरी दिया को हम धो के फट्टी में रख दिए हैं तो अच्छे से सूख जाएगी 1 मिनट तक। इधर मैं बाती भी बना चुकी हूँ, अपने से बाती बनाई हूँ। हमारे यहाँ कपास की रुई बहुत सारी अवेलेबल है हमारे घर में ही, तो मैं अपने से ही बना ली हूँ, खरीदे नहीं हैं। हाँ, तो अब दिया की तैयारी हो अब करेंगे हम लोग। इधर शक्ला और एक कद्दू की भी बनाना पड़ेगा, तो जल्दी से उसको भी काट लेते हैं। अब शाम ही हो गई है, समथिंग टाइम को हो गए हैं, टाइम को तो 5:30 बज चुके हैं। पहले से फटाफट से इसको काट लेते हैं शक्ला को, और कोहणा भी ला लिए हैं। हाँ, तो अब काट लेते हैं फटाफट से। हाँ, तो काट लेते हैं, फिर आप लोगों से कुछ देर से मिलती हूँ। इधर मैं कढ़ाई में पानी भी डाल दिए हैं, गर्म हो रहा है।
थोड़ी सी पानी डाले हैं, एक लोटा पानी होगा, फिर उसके भाप ही भाप में पक जाएगा, बहुत ही अच्छा रहता है। काट रही हैं, हाँ तो पूरा ऐसे ही काट काट के, थोड़ी थोड़ी काढ़ा लगे हुए हैं, हाँ तो काट दें, काट देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी लगे रहते हैं, तो उसे काट के पूरी कोपड़े में रख लेंगे। इतना बड़ा कोहड़ा है ना, इसकी लपसी बनाएंगे, फारी भी बनती है लपसी, तो मैं लपसी आज बनाऊंगी। हमारे सभी भाई लोग बोलते हैं, उधर बाती की तैयारी हो रही है, दी लोगों को दिखा ही देते हैं, अब इधर सब तैयारी कर रही हैं। आप सब घर में जाएंगे देने, बहुत ही अच्छे से उबाल आ गया है, तो मैं शकला को डाल देते हैं, अब पूरे शकला को, हाँ तो मैं पूरे शकला डाल दिए हैं कढ़ाई में, अब ढक देते हैं थाली को, तो इसके भाप है, भाप में पक जाएगी। उधर मम्मी लोग आवाज, सब लोग शोर कर रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी आवाज भी आ रही है, मैं ढक देते हैं थाली, तो ये आधे घंटे से मस्त पक जाएगा, भाप है भाप में। ढक दिए हैं थाली को, अब काट लिए हैं, दो फाड़ी कर लिए हैं, तो इसको हम अच्छे से काट डालेंगे, पूरा कोहड़ा को छील लेते हैं पहले। इधर कोहड़ा को काट रही है, तो एक इतना काट चुकी है और एक टुकड़ा और बचा है, तो पूरा काट डालेंगे इसे। हाँ तो मैं पूरा कद्दू को काट चुके हैं, अब इसको हम पकाएंगे। अभी इधर तो पक रहा है, शकला पक रहा है, बस अभी 10-15 मिनट में पक ही जाएगा, ये पक जाएगा, फिर इसके बाद पकाएंगे कद्दू को। इस तरह सब लोग मस्ती कर रहे हैं, आप लोग शकला पक गया है, तो मैं पैना में और निकाल चुके हैं, और निकाल लेते हैं पूरा शकला को, निकाल लेते हैं पैना में। हाँ तो पूरे शकला को हम पैना में रख लिए हैं, अब पकाते हैं कद्दू को। तो कढ़ाई में तेल डाल चुके हैं, अब जीरा बस का तड़का लगा देते हैं, लपसी बनाएंगे तो कद्दू को। तो पूरा कद्दू हम डाल दिए हैं, अब ढक देते हैं थाली को। आज बहुत ही अच्छा सब चीज़ बना रहे हैं, खाने में तो एकदम मज़ा ही आने वाला है। अब कद्दू बस आधा पक गया है, अब आधे घंटे मतलब 10 मिनट 15 मिनट तक पके गया, तो इसमें डाल देते हैं गुड़। गुड़ ला लिए हैं, पन्नी में रखा हुआ तो निकाल लेते हैं, तो गुड़ ले लिए हैं, थाली में रख लिए हैं, इसको बारीक टुकड़ों में तोड़ डालते हैं। तो इसको बारीक टुकड़ों में तोड़ लिए हैं गुड़ को, अब डाल देते हैं लपसी में। हम लोग लपसी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? हमारे इसको अच्छे से मिक्स कर डालते हैं, इसको हलवा भी बोलते हैं, कद्दू का हलवा। सब लोग उस बात भी कर रहे हैं, तो आवाज भी आ रही है। इधर मैं दूध भी गर्म कर चुकी हूँ, तो इसमें हलवा में भी डालना पड़ेगा, कद्दू का हलवा बना रही हूँ तो, और शकला में भी सब लोग खाएंगे, तो ज़्यादा दूध है, 1.5 लीटर तक दूध ले लिए हैं, और अभी ये हलवा पक रहा है कद्दू का। हम लोग लपसी भी बोलते हैं गाँव की भाषा में, मम्मी लोग लपसी बोलती, मैं भी बोल दी। हाँ तो अभी कुछ देर बाद हम इसको इसमें हम डाल देंगे, दूध भी डाल देंगे, थोड़ी सी भाप निकल रही है तो इसमें दिख रहा है। फ्रेंड मैं पूरा बना चुकी हूँ, हलवा भी बन गया है, बहुत ही अच्छे से हलवा बन गया है। मैं एक कढ़ाई से गंजे में रख ली हूँ, और ये शकला भी अब तो थाली में सर्व कर लेते हैं, सब लोगों को देंगे आप। हम थाली अब तैयार कर लिए हैं, रख लिए हैं दूध और कद्दू का हलवा प्लेट में, गुड़ रख लिए हैं, और शकला सब पूरे एकदम से रेडी है। तो आइए आप लोग भी खा जाइए, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत टेस्टी। हाँ तो आइए आप लोग भी, मैं सब लोगों को बुला रही हूँ, और हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम आज क्या क्या बनाए हैं, तो आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
हमारे यहाँ देवउठनी एकादशी के दिन आती हैं गाय जगाने, तो आप लोग देखिए और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो हमारे चैनल को करिए लाइक और नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। अब इसी तरीके से मिलते हैं बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, रखिए अपना ख्याल।